दोस्तों हर बार की तरह स्वागत है आपका हमारे लेयर पोल्ट्री चैनल में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे कि हम चिक्स बाय किए हैं तो उसके साथ हमको एक कंपनी की तरफ से एक बुक प्रोवाइड की गई जिसमें उसकी सारी डिटेल बताई गई है कैसे मैनेज करना है चिक्स को। जैसे कि पहले पेज की बात करें कि इंट्रोडक्शन दी गई है कब कंपनी स्टार्ट हुई और इसके माइलस्टोन क्या थे और कैसे कैसे इसकी परफॉर्मेंस होती है, और दूसरे पेज की बात करें कि ये कैसे मतलब कितना बर्ड फीड खाएगा और कितना उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया है और कितना एग देगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप इसके पॉज करके पढ़ सकते हैं। और तीसरे पेज की बात करें तो बायोसिक्योरिटी मेजरमेंट जैसे कि डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है ये सारी डिटेल इसमें बताई गई है। और शेड की परफॉर्म जो कि मतलब एम्प्टी शेड को कैसे जैसे प्रिपेयर कैसे करना है एम्प्टी शेड को ये भी इसमें बताया गया है, फ्लोरिंग वगैरह। और बाकी अगले पेज की बात करें तो बॉडी वेट कैसे मैनेज करना है, बॉडी डेवलपमेंट कैसे होती है 5 दिन के अंदर और 5 दिन के बाद। अगले पेज की बात करें जैसे कि लाइटनिंग प्रोग्रामिंग किसने किस बर्ड मतलब बर्ड की एज के हिसाब से इनको लाइटनिंग देनी होती है वो भी प्रोवाइड की गई है। और बाद में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि वैक्सीनेशन की जैसे कि शुरू से लेके लास्ट तक कितने वैक्सीनेशन करनी होती है सारी प्रॉपर डिटेल दी गई है। और बात की जाए डीबीकिंग जैसे कि चोंच काटना जिसे कहते हैं ये भी प्रोवाइड किया गया, 7 से 10 दिन के अंदर करनी होती है डीबीकिंग और पानी में क्या देना होता है, फीडिंग क्या होती है इसकी वो भी इसमें प्रोवाइड किया गया। अगले पेज की बात करें तो फीडिंग प्रोग्राम क्या होता है इसमें, इसके न्यूट्रिएंट क्या होने चाहिए, लेइंग पीरियड पे कितने न्यूट्रिएंट होने चाहिए और मिनरल लेवल क्या होना चाहिए सब कुछ इस बुक में डिटेल में बताया गया है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ लेंगे तो। इसमें इसके बाद बताया गया न्यूट्रिएंट कितने मतलब फीड में इंग्रेडिएंट होते हैं जैसे कि मक्का बाजरा उसमें प्रोटीन वगैरह क्या होते हैं। और बाद में बात करें कि परफॉर्मेंस की क्या कितने एज के हिसाब से कितना उसकी लिवेबिलिटी होती है, कितना एग देगी, कितने ग्राम फीड खाएगी वो सब उसमें बताया गया है फर्स्ट साइकिल में और सेकंड साइकिल में। जैसे कि सेकंड साइकिल लेइंग साइकिल होता है इसका 70 से 100 वीक का। और इसके बाद रिकॉर्ड आता है जैसे कि कितना दिन का चिक्स हो गया है उसका रिकॉर्ड लिखना। और लास्ट में बात करें इसमें कि इसकी कंपनी की डिटेल बताई गई है कि किस कितने मतलब कहाँ कहाँ कंपनी की ब्रांचेस हैं और उसके नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, सारी डिटेल बताई गई है। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।